समावयवता। टॉपिक हमारा क्या है बेटा? मेन हेलोइल्केन और हेरोइन। तो समावयवता किसमें? हेलोइल्केनों, या इसी को क्या कह सकते हैं, एल्किल हैलाइड। तो हेलो एल्किनो या एल्किल हैलाइडो में समावयवता। ध्यान देंगे बेटा, सबसे पहले बेसिक सा समझ लें कि समावयवता आखिर है क्या, ये कौन सी वाला है। ध्यान देंगे, समावयवता दो शब्द लग रहे होंगे इसमें, सम धन अवयवता, सम मतलब समान, अवयवता का तात्पर्य है बेटा अणुसूत्र। अगर अणुसूत्र समान हो, ध्यान देंगे किसी यौगिक का अगर हम सूत्र लिखते हैं, अगर सूत्र की बात की जाए तो उसके सूत्र दो प्रकार के, एक अणुसूत्र आपको मिल जाएगा और इसी के सहारे एक मिलेगा संरचना सूत्र। किसी यौगिक के लिए यदि अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन संरचना सूत्र भिन्न हो, अलग अलग हो, तो उसे कहेंगे समावयी यौगिक और यही प्रक्रिया कहलाएगी समावयवता। ठीक बात। अब एल्किल हैलाइडों या हेलो एल्केनों में समावयवता में के क्रम में पहला आपको देखने को मिलेगा स्थान समावयवता। पहला है आपका स्थान समावयवता। स्थान समावयवता में जो आपका किसके लिए पढ़ रहे हैं, हेलो एल्केनो या एल्किल हैलाइड, तो जो हैलोजन परमाणु है, स्थान समावयवता में क्या होगा, जो आपकी कार्बन की श्रृंखला बनेगी, कार्बन की श्रृंखला होगी, उस श्रृंखला में जो हैलोजन परमाणु होगा, क्या चीज होगा, हैलोजन परमाणु होगा श्रृंखला में जुड़ा हुआ, उसकी स्थिति भिन्न भिन्न होगी, अलग अलग स्ट्रक्चर में अलग अलग जगह हैलोजन परमाणु जुड़ा होगा। लेकिन अगर अणु के रूप में उसको लिखेंगे तो अणुसूत्र एक जैसा ही मिलेगा। अर्थात कहने का मतलब स्थान समावयवता क्या होता है, ये इस तरह के समावयवी होंगे जिसमें हैलोजन परमाणुओं की स्थिति भिन्न भिन्न हो, कार्बन की श्रृंखला सेम एक जैसी हो, लेकिन हैलोजन परमाणु जो जुड़ रहा है कार्बन से उसका स्थान बदला हुआ हो। जैसे एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर लेते हैं उदाहरण के लिए CH3 CH2 CH2 सिंगल बॉन्ड C, ये एक कॉमन सा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। पुनः एक स्ट्रक्चर और हम ले रहे हैं CH3 CH CH3। ध्यान देंगे, कार्बन तीन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, एक अगला कार्बन से चार इसका पूरा है, एक एक दो, एक हाइड्रोजन तीन, यहां पे जोड़ दीजिए हैलोजन यानी क्लोरीन जोड़ दिए, कार्बन एक बॉन्ड इधर, तीन हाइड्रोजन चार, बराबर है। इसमें भी देख सकते हैं इस कार्बन पे ये बॉन्ड तीन हाइड्रोजन चार, इस पर कार्बन पर इधर भी एक दो, दो हाइड्रोजन चार, इधर देखेंगे कार्बन पर एक, इधर एक दो, पुनः दो हाइड्रोजन चार, बॉन्ड सबके एडजस्ट है, समायोजित है, चार चार है। अब ध्यान देंगे, हम इसको कह रहे हैं कि समावयता किस तरह के समावयता का उदाहरण है, स्थान समावयता। तो इसमें अगर हम देखते हैं नॉर्मल काउंटिंग करके 1 2 3, तो आपका जो हैलोजन परमाणु है किससे जुड़ा है, पहले कार्बन से, सेम एज इसमें भी काउंटिंग करते हैं 1 2 3, तो आपका जो हैलोजन परमाणु है
इस कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ अणु निकाल लें तो इसमें देंगे बेटा कितने कार्बन, तीन, ठीक ना, तीन पांच दो सात, हाइड्रोजन कितने सात हो गए, कितना एक Cl, C3H7Cl अणुसूत्र निकल के आ रहा है। इसके लिए पुनः देखते हैं, एक दो तीन कार्बन तो C3 हो गया, तीन एक चार तीन सात H7 हो गया, फिर पुनः क्लोरीन Cl, C3H7Cl, C3H7Cl मॉलिक्यूलर फार्मूला अणु रूप में लिखने पर दोनों फार्मूला एक जैसे हैं, लेकिन अगर स्ट्रक्चर इसका हम बना रहे हैं इसको लेकर इसको वो देखते हैं, स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो इस स्ट्रक्चर में हैलोजन परमाणु कार्बन पहले कार्बन से जुड़ा है, इस स्ट्रक्चर में कार्बन क्लोरीन परमाणु दूसरे कार्बन से जुड़ा है, स्थान में क्या है परिवर्तन है किसके, हैलोजन परमाणु के, इसलिए आपका ये कैसा समावयवता, स्थान समावयवता हो जाएगा। और याद रखने की बात ये है, नोट करके लिख लेंगे, स्थान समावयवता या स्थान समायवी सूत्र के लिए न्यूनतम तीन कार्बन परमाणु की श्रृंखला का उपस्थित होना अनिवार्य है। अर्थात कहने का मतलब स्थान समावयवता का अगर हमें देखना उदाहरण देखना है तो कम से कम तीन कार्बन की श्रृंखला अवश्य होनी चाहिए। तो ये था आपका स्थान समावयवता, ऐसे समावयवी जिनमें अणुसूत्र समान हो, संरचनाएं भिन्न भिन्न हो, संरचना में क्या भिन्न हो, जुड़ने वाला हैलोजन परमाणु, तो हैलो एल्केनो या एल्किल हैलाइडों में समावयवता में स्थान समावयवता कहा जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक में, लिख लीजिए। अगला आपका हो जाएगा बेटा श्रृंखला समावयवता, इसमें क्या होगा, जो आपकी कार्बन की श्रृंखला है, क्या है कार्बन की श्रृंखला है, इस कार्बन की श्रृंखला में भिन्नता के कारण, और भिन्नता किस तरह से, कार्बन की श्रृंखला शाखित हो सकती है, क्या हो सकती है, शाखित हो सकती है, ब्रांच्ड हो सकती है, इसके कारण अगर कोई समावयवता प्रदर्शित होती है तो उसको कहेंगे श्रृंखला समावयवता। जैसे आपका एक उदाहरण हम लेते हैं, उदाहरण के रूप में एक चेन ले रहे हैं CH3CH2CH2CH2Br, कितने कार्बन की चेन है, एक दो तीन चार, चार कार्बन की नॉर्मल सी चेन है, नाम लिखेंगे तो पहले से ब्रोमीन है, वन ब्रोमो ब्यूटेन हो जाएगा, चार कार्बन, अगर इसी को अणुसूत्र निकाल लीजिए C4 होगा, तीन दो पांच, पांच दो सात दो नौ, H9Br यही दिख रहा है। अब इसी अणुसूत्र को संरचना में हम बदलेंगे, कुछ इस तरह से परिवर्तित कर लेते हैं, जैसे देखिए CH3CH2 या इसको CH फिर CH2 फिर Br और यहां ले लेते हैं CH3, ठीक है ना। अब इस संरचना को ध्यान से देखिए, एक दो तीन एक चार कार्बन, चार कार्बन, तीन एक चार, चार दो छः, छः तीन नौ, नौ हाइड्रोजन, एक ब्रोमीन बराबर है। अब लेकिन इसकी संरचना इससे देखिए भिन्न है ना, C4H9Br ये भी है और ये भी, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर देख रहे हैं बेटा नॉर्मली एक सीधी सी रचना, इसमें जो है सीधा लेकिन यहां से थोड़ा सा शाखित, C4H9Br ये भी है और ये भी, लेकिन कार्बन की श्रृंखला यहां पे भिन्न भिन्न है दोनों में,
अतः इसलिए ये दोनों क्या होंगे, श्रृंखला समावयवी होंगे और ये प्रक्रिया श्रृंखला समावयवता कहलाएगी। जैसे इसका नाम हो गया वन ब्रोमो ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, काउंटिंग यहां शुरू कर लेते हैं, वन टू सीधे चले जाइए थ्री, ये वाला सब्स्टिट्यूटिव हो जाएगा, ये तो है, ये है ठीक ना। ब्रोमीन और सी एस थ्री दोनों सब्स्टिट्यूटिव प्रतिस्थापी के रूप में, सी एस थ्री का मतलब मेथिल, इसका मतलब ब्रोमीन यानी ब्रोमो, ब्रोमो का भी पहले आएगा अल्फाबेट के फॉर्म में, तो वन ब्रोमो और ये कामा टू मेथिल, कितने कार्बन की लॉन्ग चेन बन रही, तीन, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। तो ऐसी समावयता वह समावयी जो कार्बन की श्रृंखला कारण होते हैं उनको क्या कहेंगे, श्रृंखला समावयता कहा जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक में, लिख लो ये क्या, प्रकाश समावयता। इसमें जो ये कार्बन है ध्यान दें, इस तरफ दो कार्बन की कार्बन की चेन गई है, इधर एक कार्बन की, इधर हाइड्रोजन कार्बन से चारों संयोजकताएं हर दिशा में अलग अलग तरह से रचनाएं बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, असममित कार्बन। और ये क्या रख रहा है, एल्किल हैलाइड कार्बन की चेन हैलोजन, तो अगर ये प्रकाश में कोई अन्य रचना बनाता है तो क्या कहेंगे उसको, प्रकाश समावयवता कहा जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कर लो फिर आगे बढ़े। भैया भैया आगे चलें, भाई मिटा दिया जाए ना। अब यहां पे आपका अगला टॉपिक है कार्ब धनायनों का अस्थायित्व। क्या है, कार्ब धनायनों का अस्थायित्व, कार्ब धनायनों का स्थायित्व, कौन सा कार्बन धनायन बना करके कितना अस्थायी होता है। सबसे पहले यहां पे देखते हैं बेटा कार्ब धनायन क्या है, वह धनायन, कार्ब धनायन भी क्या होंगे, एक तरह के धनायन होंगे, अर्थात वह धनायन जिनमें धनावेश कार्बन परमाणु पर, कहां पर, कार्बन परमाणु पर उपस्थित होता है, कार्ब धनायन कहलाते हैं, कार्ब धनायन कहलाते हैं। आगे देखते हैं, इनके स्थायित्व का, इनके बात नहीं, स्थायित्व का क्रम निम्नलिखित है। अब ध्यान देते हैं कौन किस तरह से अस्थायित्व होगा, अस्थाई होगा, तो जो सबसे अधिक अस्थाई होगा वो है आपका बेंजिल। बेंजिल जो है सबसे अधिक अस्थायित्व होते हैं, बेंजिल में अगर कार्बन धनायन मिलेगा आपको वह सबसे अधिक अस्थायित्व होते हैं। उसके बाद इसी के समकक्ष आपको मिलेगा एलिल। इसके बाद जो है आपका टर्टरी यानी तीन डिग्री कार्बन धनायन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर इसके बाद सी एस थ्री, क्या चीज, सी एस थ्री का डॉट, ये अस्थायित्व। तो सबसे ज्यादा अस्थाई कौन, बेंजिल और एलिल, और सबसे क्रम सी एस थ्री का डॉट। अब ध्यान देते हैं बेंजिल है क्या, तो याद रखेंगे कोई बेंजीन की रिंग हो, अब इस बेंजीन की रिंग में आपका जुड़ा हो सी एस थ्री, अब इस सी एस थ्री में से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल जाए तो बचेगा क्या, सी एच टू। जब निकलेगा तो वो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर के निकलेगा, नहीं है हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, और जब कार्बन वाला लेकर के जाएगा कहेगा हमारा रक्त हम किसी के लिए रखे हैं, और ये कार्बन जो अपना इलेक्ट्रॉन है अगर त्याग दे
त्यागेगा तो इस पर क्या आएगा, धनायन। इसको कहेंगे बेंजिल और ये सबसे अधिक अस्थाई होता है। इसके बाद होगा आपका एलिल। एलिल एक तरह के आपके एल्कीन होंगे, CH सिंगल बॉन्ड CH3, दो एक तीन एक चार, हाँ क्लियर है। ध्यान देंगे जहां पे आपका द्विबंध है उसके आगे वाला कार्बन से एक हाइड्रोजन कम होगा, CH2 बचेगा, और ये जो बॉन्ड बनाया हुआ इलेक्ट्रॉन था वह इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाए और क्या बन जाए, धनायन। तो इसको कहेंगे एलिल और ये वाला इसके सापेक्ष अस्थायित्व होगा। फिर इसके बाद टर्नरी यानी थ्री डिग्री हो, ऐसा कोई कार्बन हो जिससे तीन अन्य कार्बन की चेन गई हो, तीन अन्य कार्बन की चेन यानी तीन बॉन्ड बना, जो अगला बॉन्ड है वो जो इलेक्ट्रॉन बना रहा होगा वह इलेक्ट्रॉन ही त्याग दिया जाए और क्या आ जाए, प्लस आ जाए, तो जो धनायन बनेगा एलिल के बाद वह अधिक स्थायी होगा। इसके बाद सेकेंडरी, ऐसा कार्बन जिससे दो अन्य कार्बन की चेन गई हो उसको सेकेंडरी कार्बन कहेंगे, और दो बनाया है दो और बनाएगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा और जो इलेक्ट्रॉन बचेगा वही इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाएगा, तो इस प्रकार टू डिग्री धनायन बन जाएगा और ये वाला थ्री डिग्री की अपेक्षा यानी सेकेंड टर्नरी की अपेक्षा ये अस्थायित्व होगा। इसी तरह से प्राइमरी, प्राइमरी में क्या होगा, एक ही नॉर्मल कार्बन की चेन गई होगी कार्बन से और एक बना रहा है बॉन्ड, तो यहाँ पे कितने होंगे, तीन होंगे, तीन में से एक निकल जाएगा दो बचेगा और वही वाला इलेक्ट्रॉन त्यागा जाएगा और प्लस बन जाएगा, तो सेकेंडरी के बाद ये वाला प्राइमरी अस्थायित्व में आएगा। फिर उसके बाद अंत में CH3 का डॉट, डॉट यानी जो अगला बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन फ्री है यही वाला इलेक्ट्रॉन त्याग दिया जाएगा और धनायन बन जाएगा। तो कार्ब धनायनों में ये थे आपके अस्थायित्व के क्रम, सबसे पहला बेंजिल, फिर एलिल, फिर टर्नरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर CH3 का डॉट का धनायन।